सूरजपुर में एक आरक्षक के द्वारा पुलिस विभाग के 17 लाख रुपए गबन करने का मामला सामने आया है। दरअसल जयनगर थाना में पदस्थ आरक्षक दीपक सिंह के द्वारा साल 2014 से यातायात के चालानी कार्रवाई के वसूली रकम को ट्रेजरी बैंक में जमा करने के लिए दिया जाता था, जिसे आरक्षक जमा नहीं करके फर्जी जमा पर्ची बनाकर थाने में पेश करता था। ऐसे में विभागीय ऑडिट के दौरान पुलिस को रुपए के गबन की भनक लगी, जिसके जांच के बाद प्रथम दृष्टया 17 लाख रुपए से ज्यादा का गबन फिलहाल सामने आया है। अब आरोपी आरक्षक को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। थाना जयनगर में एक अपराध दर्ज हुआ है। सीजीटीसी जो यातायात में हम लोग चालान वसूल करते हैं और वो राशि सरकारी खाते में जमा होना चाहिए था, तो आरक्षक की ड्यूटी इसमें जो भी पैसा कलेक्ट होता था उसको बैंक के माध्यम से ट्रेजरी जमा करना होता है। ये पाया गया भी ऑडिट में, ऑडिट इसमें निराकरण करने के दौरान कि आरक्षक के द्वारा जो पैसा जमा करने के लिए बैंक में जाते थे तो वो पैसा बैंक में जमा नहीं हुआ है। तो इस तरीके की चीज़ें ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा फर्जी इसमें सील लगवा के और इस तरीके का उसको बैंक में जमा नहीं हुआ है, तो उसके द्वारा खुद सीधे सीधे गबन किया गया ऐसा प्रतीत हुआ। और प्रथम दृष्टया इस तरीके की चीज़ें पाए जाने पर ही सीधे इसमें FIR किया गया, क्योंकि ये बहुत ही गंभीर मामला है और पुलिस विभाग के द्वारा जिसको हमने जिस ड्यूटी के लिए लगाया था उसे गलत करके सीधे सीधे सरकारी राशि का गबन करना पाया गया है। तो विभिन्न धाराओं के तहत इसमें हम लोगों ने उसके खिलाफ आरक्षक दीपक सिंह जो जयनगर में है उसके खिलाफ FIR दर्ज किया है और आगे की इसमें विवेचना और बैंक के माध्यम से ट्रेजरी के माध्यम से और कहाँ कहाँ जो पदस्थ रहे हैं और इसमें किसी प्रकार का किसी अन्य कर्मचारियों का या चाहे बैंक के कर्मी हो या किसी के इन्वॉल्वमेंट पता चलता है तो उस पर भी हम कार्रवाई करेंगे। रकम अभी 17,04,360 रुपये का लगभग अभी पता चला था जिस पर FIR हुआ है। आगे और भी जहाँ पदस्थापना उनकी रही है उसके बारे में पता कर रहे हैं, संभवतः और भी इसमें आगे रकम राशि बढ़ सकती है।